मैं डॉक्टर हेमा जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग में शिक्षिका हूँ और आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे समाज कार्य के उद्देश्य और विभिन्न कालों में समाज कार्य, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं। समाज कार्य का जो उद्देश्य है वो मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रावधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना है। आश्रित व्यक्तियों या कठिनाइयों में पड़े व्यक्तियों को कुछ ऐसी भौतिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, समाज कार्य ऐसे व्यक्तियों की सहायता करता है जो अपने को समाज के आर्थिक व सामाजिक वातावरण के अनुकूल बनाने में समस्याओं का अनुभव करते हैं। इसका संबंध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से है। इन समस्याओं का कारण निर्धनता भी हो सकता है, बीमारी या अपराध, कुछ भी हो सकता है। समाज कार्य संपूर्ण समाज के जीवन स्तर को उन्नत करने का प्रयास करता है, अर्थात दूसरों में आश्रित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनना है। आश्रित के बजाय आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास समाज कार्य का रहता है। इसके अनेक विद्वानों ने इस पर बताया है, जिसमें ब्राउन के अनुसार भौतिक सहायता प्रदान करना, जो अभी मैंने बताया कि भौतिक रूप से उसको मजबूत बनाना, समायोजन स्थापित करने में सहायता करना, मानसिक समस्या का समाधान करना और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसी तरह से एक विद्वान और है, हैमिल्टन के अनुसार आर्थिक एवं शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहन देना, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे जीवन स्तर की बात की जाती है। संतोषजनक संबंधों एवं अनुभवों द्वारा सामाजिक वृद्धि के अवसर प्रदान करना। अवृद्धि में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के साथ ही साथ सेवार्थी की क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का प्रयास किया जाता है और जो उसमें विकृति आ गई है उसे पुनः स्थापित करने की सहायता मिलती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के में जो उसके अनुसार है, सामाजिक मानसिक व शारीरिक कल्याण के ऊँचे स्तर को प्राप्त करना। इसके कई और अन्य उद्देश्य भी हैं, जिनमें समुदाय में विद्यमान मनोसामाजिक समस्याओं का पता लगाना व उनकी समस्याओं का समाधान करना और समयाग्रस्त सेवार्थी में आत्म सहायता करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला, सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाने में सहायता करना। इसी तरह समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के विरुद्ध स्वस्थ जनमत तैयार करना, व्यक्तियों में सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति चेतना जागृत करना, व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। इसी तरह लोगों को उन व्यवस्थाओं से जोड़ना जो उन्हें संसाधन एवं सेवाएं एवं अवसर उपलब्ध कराती हैं और व्यक्तियों को उनके जीवन स्तर में सुख एवं शांति का अनुभव कराने हेतु प्रयास करना, समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करना, व्यक्तियों में सामंजस्य की क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करना। तो ये सारे जो हैं ये समाज कार्य के उद्देश्य थे। समाज कार्य के अन्य उद्देश्य हैं, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सेवार्थी की क्षमताओं को इस प्रकार विकसित किया जाए कि उन क्षमताओं और योग्यताओं का प्रयोग कर वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सके और समस्याओं के समाधान में स्वयं सक्षम हो सके, उत्तम जीवन जी सके और विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। अब हम बात करेंगे कि भारत में समाज कार्य पर हम बात करेंगे कि विभिन्न कालों में समय में किस क्या क्या स्थिति रही है समाज कार्य की। तो पहले हम भारतीय समाज बहुत ही एक अति प्राचीन समाज रहा है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय समाज को चार कालों में विभाजित कर सकते हैं। R.C. मजूमदार, B.N. मेहता, M.S. गोरे तथा राजाराम शास्त्री इत्यादि ऐसे विद्वानों ने भारत में समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इन विद्वानों के अनुसार भारत में समाज कार्य एक लंबी परंपरा रही है, जिसका विवेचन चारों कालों में अलग अलग रूप में भी किया जाता रहा है। अब हम बात करेंगे प्राचीन काल में समाज कार्य कि क्या क्या रहा प्राचीन काल में समाज कार्य। तो प्राचीन ही समय से जो भारत में दीन दुखियों और पीड़ितों की सेवा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है,
मजूमदार, एक विद्वान, मजूमदार के अनुसार राजा, व्यापारी, जमींदार तथा अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। अर्थात जो श्रेष्ठी होता था, जो श्रेष्ठी थे, वो धर्मार्थ के काम करते थे। मनोचिकित्सा संबंधी कार्य भी प्राचीन काल से ही चले आए हैं, जैसे कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देना। और इसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति तथा धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्तियों की सहायता करना है, जो पीड़ित हों तथा दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हों उनकी सहायता करना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दान देना, निर्धनों, असहायों की सहायता करना, धर्मशालाएँ बनाना, कुएँ बनवाना आदि जो है वो पुण्य के कार्य समझे जाते रहे। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में निर्धनों, वृद्धों, निराश्रितों एवं असमर्थ लोगों की देखरेख का दायित्व शासक यानी राजा को बताया है। किसी भी प्राकृतिक विपत्ति के समय में भी मुफ्त भोजन एवं आश्रय का प्रबंध किया जाता है। अभी जैसे अभी देखा गया है कि जो कोरोना महामारी आई थी उसमें कई तरह की जो लोग जूझ रहे थे इनसे परेशानियों से, उस समय भी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। तो ये मदद की व्यवस्था जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही है और इसको एक पुण्य का काम समझा जाता है। प्राचीन काल में भारतीय समाज बहुत अधिक समस्याओं से ग्रसित नहीं था, इसी कारण समाज कार्य का क्षेत्र निर्धनों और निराश्रितों की देखरेख तक ही सीमित था। धर्म एवं आध्यात्मिकता का प्रभाव अधिक होने के कारण सभी लोग इनकी सहायता करना अपना दायित्व मानते थे। इस काल में यज्ञ, हवन, दान का प्रचलन था, इन सबको पुण्य का कार्य समझा जाता था। इसके बाद हम आते हैं मध्यकाल में समाज कार्य। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, जैसे जात पात, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा अनेक कुरीतियों के उदाहरण हैं। इस काल में महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हुई, महिलाओं के साथ भेदभाव होने लगा, महिलाओं को केवल शिक्षा से ही वंचित नहीं रखा गया अपितु वो पुरुषों पर बहुत निर्भर होने लगी। मुसलमानों तथा हिंदू दोनों ही राजाओं में रनवास में रानियों के झुंड रखने की प्रथा प्रारंभ हो गई और सामंतशाही के उदय के कारण जनसाधारण की आर्थिक स्थिति भी बदतर होती चली गई। भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशों के अनुसार अनेक ऐसे काम किए, उस पर काफ़ी व्यय किया। इस्लाम में जकात एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का 2.5% भाग जकात के रूप में व्यय करना आवश्यक है। यह रकम निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती है। इसी प्रकार अनेक मुसलमान शासकों ने अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की समाज सेवाओं का प्रावधान किया, जिसमें शिक्षा संस्थान, रोगियों के लिए उपचार के लिए चिकित्सालयों का निर्माण, यात्रियों के लिए मुसाफिर खाने का निर्माण आदि प्रमुख है। समाज कार्य की व्यवस्था में शेरशाह सूरी और अकबर के सुधार कार्य भी उल्लेखनीय है। अकबर की मान्यता थी कि राजा को अपनी प्रजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक एवं संरक्षक होना चाहिए। अकबर ने सती एवं बाल प्रथा को समाप्त कर दिया। बाल विवाह पर भी रोक लगाने के लिए उन्होंने लड़के और लड़की की उम्र में क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष कर दी गई और द्विपत्नी विवाह पर भी रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार जजिया कर तथा यात्री कर से भी प्राप्त धन को कल्याण संबंधी कार्यों में लगाया गया। भारत में सभी धर्मों में दान का अत्यंत महत्व है। इसी प्रकार पारसियों ने भी दान के महत्व के अनुसार ही धर्मशालाओं, तालाबों, विद्यालयों आदि का निर्माण कराया। उन्होंने कई न्यास भी स्थापित किए। इस प्रकार समाज कार्य काफ़ी लंबे समय तक धार्मिक प्रेरणाओं से प्रभावित होता रहा। अब इसके बाद हम करते हैं अंग्रेजी शासनकाल में समाज कार्य। मुगल साम्राज्य के पतन, यूरोपियों के भारत आगमन तथा दक्षिण एवं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के अभ्युदय के साथ अंग्रेजी शासनकाल का प्रारंभ हुआ। 1798 से 1856 तक ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में न केवल विस्तार हुआ अपितु इसका काफ़ी सुदृढ़ीकरण भी हुआ और 1875 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात समाज कार्य की दृष्टि से भारत में काफ़ी तेजी से धार्मिक व सामाजिक सुधार हुए। 19वीं शताब्दी भारतीय नवजागरण के काल के रूप में उभर कर सामने आए। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला के गुणगान के माध्यम से भारतीयों की अपनी एक सभ्यता एवं संस्कृति की महानता का ज्ञान
कराया और उसके ही परिणाम स्वरूप अनेक संतों और समाज सुधारकों ने इस कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाई, जिनमें राजा राममोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में प्रचलित जाति के भेदभाव की समाप्ति, छुआछूत का अंत, बाल विवाह, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास की समाप्ति करना था। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करने में इनका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, जो बम्बई में की। और दयानंद सरस्वती जी ने ही भारतीयों को वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और अंग्रेजी शासनकाल में समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना पर भी बल दिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक अखिल भारतीय संगठनों का निर्माण किया गया। 1908 में बम्बई में सेवा सदन की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्षता श्रीमती रमाबाई रोनाल्डे ने की। इस संगठन का उद्देश्य महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान करना एवं अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र की शिक्षा देना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सेवाग्राम में हरिजन सेवक संघ तथा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य जनता की आर्थिक प्रगति में सहायता देने के साथ साथ सामाजिक जीवन में सुधार करना भी था। धार्मिक आंदोलनों से प्राप्त प्रेरणा से अंग्रेजी शासनकाल में अनेक प्रकार की समाज सेवाएं प्रारंभ हुई, जिसमें विविध कार्य संपादित किए जाने लगे, विविध प्रकार के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य संपादित किए जाने लगे, जैसे पेड़ लगवाना, तालाब कुएं खुदवाना, विद्यालय बनवाना, चिकित्सालय स्थापित करना आदि अनेक इस तरह के कार्य किए गए। अनेक धनवानों ने अपनी संपत्ति धार्मिक संस्थाओं को सौंप दी या ट्रस्ट बना दिए गए, जिसके माध्यम से अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजी सरकार का काम केवल कानून पास करने और गांव पुनर्निर्माण कार्य के लिए तथा कुछ समाज सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य कुछ कार्यों के लिए अनुदान देने तक ही सीमित था। अमेरिका, इंग्लैंड जैसी वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो कम लाभान्वित लोगों को सुविधाएं प्रदान करे। अंग्रेजी शासनकाल में समाज कार्य की दृष्टि से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत सीमित था, या इसी का नतीजा था कि केंद्र तथा राज्यों में समाज कल्याण संबंधी समस्याओं को देखने के लिए कोई विभाग नहीं था। और इसी तरह हम फिर बात करते स्वतंत्रता के बाद समाज कार्य पर कार्य क्या स्थिति रही। तो स्वतंत्र भारत में विभिन्न धर्मों द्वारा स्थापित की गई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी समाज कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया जाता रहा। प्रजातांत्रिक देश होने के नाते भारत में समाज कार्य निश्चित रूप से मानवतावादी प्रकृति रखता है, इसलिए समाज कार्य प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति एवं धन के पुनर्वितरण में विश्वास रखता है। लोकतांत्रिक विचारधारा के कारण ही भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में आज समाज कार्य प्रजातांत्रिक एवं मानवीय मूल्य मान्यताओं तथा व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित एक व्यावहारिक विषय होने के साथ साथ सेवा भी है, जो समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। 1953 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका कार्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से समाज कल्याण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करना है। 1985 में कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य सौंप दिए गए। स्वतंत्रता पश्चात भारत में अनेक स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी संगठनों की सेवाएं भी समाज कार्य हेतु ली जा रही हैं। सरकार इन संगठनों को समाज कार्य हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं का समाधान करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करने हेतु प्रयास किए गए। समाज कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अंग्रेजी में सोशल वेलफेयर तथा हिंदी में समाज कल्याण नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता रहा, जिसमें समाज कल्याण तथा समाज कार्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। लॉवी जैसे विद्वानों ने समाज कार्य के महत्ता को स्वीकार करते हुए
समाज कार्यकर्ता को धर्मनिरपेक्ष पुजारी का नाम दिया है, क्योंकि वे एक चिकित्सक के रूप में वही समाज सेवा प्रदान करते हैं जो पहले धार्मिक संस्थाओं के पुजारी करते थे तथा अभी भी कुछ समाजों में करते आ रहे हैं। अब इससे हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत में समाजकारी शिक्षा का विकास क्या कैसे हुआ। भारत में 1936 में पहली बार समाजकारी की व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक संस्था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से स्थापित हुई। बाद में इसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हो गया। 1936 से पहले समाजकारी को एक ऐच्छिक क्रिया समझा जाता था। 1947 में काशी विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान विद्यालय खुला। इसी वर्ष दिल्ली में स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजकारी प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और 1950 में बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजकारी संकाय खुला गया। 1952 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क तथा 1955 में आगरा में समाजकारी की शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्तमान में समाजकारी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या भी काफ़ी हो चुकी है। आज समाजकारी प्रशिक्षण बम्बई, दिल्ली, आगरा, पटना, लखनऊ, वाराणसी आदि विभिन्न जगहों पर हो रहा है। इस दृष्टि से भारत में समाजकारी व्यवसाय के रूप में खरा उतर रहा है। अमेरिका एवं यूरोप के देशों के विपरीत भारत में समाजकारी के व्यवसाय के रूप में विकास धीमी गति से हो रहा है। आज आपने देखा कि हमने समाजकारी के उद्देश्य और विभिन्न समय में समाजकारी किस किस रूप में रहा है, आज हम इस पर चर्चा की। अगली आई में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।